जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। तो दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे फैनकोर ईसीएसटी 10 मैच की, जो कि दोस्तों ये मुकाबला एसएसपी बनाम एमयूएस के बीच दोस्तों ये मुकाबला खेला जाएगा। इसमें फैंटेसी टिप्स क्या है, पिच रिपोर्ट कैसे है, टीम में कोई अपडेट तो नहीं हुआ है, आपको सारी जानकारी देने वाला हूँ इस वीडियो में। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना है, इस वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। अगर वीडियो पसंद आए प्लीज़ वीडियो पर एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर देना, आप लोगों का प्यार और समर्थन मिलता रहता है तो काफ़ी अच्छा लगता है। फ्रेंड्स जो हमारा फाइनल अपडेट होगा, फाइनल टीम होगी, आपको टेलीग्राम पर मिलेगी। फ्रेंड्स तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। फ्रेंड्स तो सबसे पहले बात करता हूँ दोनों टीमों के बीच प्लेइंग 11 की। तो दोस्तों एसएसपी से सिद नायर, गेनोर लिंच, केविन जॉर्ज, जिनसन जॉन, डेवी वर्गेस, के कृष्ण कुमार, बी कंस्टेंट, नवीन जॉर्ज, अनु सागू, अली रसोल एंड आई कटर जखी। दोस्तों आप ये प्लेइंग 11 देख सकते हो कि एसएसपी की प्लेइंग 11 है। नेक्स्ट वन बात करता हूँ एमयूएस की प्लेइंग 11 की। इशा जारो, जीरक चौगटी, फिराज हुसैन, मुबारक अली, जैकोब गुल, असबात खान, तैनाल अली, हुजैब यूसुफ, हसन असलन, मनन इमाद जमील। दोस्तों आप ये प्लेइंग 11 देख सकते हो जो कि एमयूएस की प्लेइंग 11 है। नेक्स्ट वन बात करता हूँ एनुमेट पिच रिपोर्ट की। तो बता दूं दोस्तों ये मुकाबला 29 मई मंडे को शाम को 5 बजे से ये मुकाबला नेशनल स्पोर्ट अकेडमी में खेला जाएगा। बात करता हूँ फ्रेंड्स यहाँ की पिच रिपोर्ट की। तो दोस्तों बैटर्स के लिए पिच ज़्यादा कंफर्टेबल रहने वाली है, हालांकि दोस्तों पेसर्स को इस पिच पर एडवांटेज मिलेगा। बात करता हूँ फ्रेंड्स वेदर रिपोर्ट की। तो दोस्तों बारिश के यहाँ पर कोई भी चांसेस नहीं बनेंगे। बात करें फ्रेंड्स ड्रीम 11 प्रेडिक्शन की। तो दोस्तों एमयूएस जो कि गुड फॉर्म में है रिसेंट मैचेस में, इसके जीतने के चांसेस ज़्यादा बनेंगे। फ्रेंड्स टॉस प्रेडिक्शन की बात करूँ, आज का टॉस है कौन जीत सकता है अकॉर्डिंग टू द पॉसिबल 11 एक्सपर्ट टॉस प्रेडिक्शन। आज का टॉस है दोस्तों एमयूएस टॉस जीत सकती है एंड पहले बॉलिंग करने का फैसला कर सकती है। फ्रेंड्स मैच एक्सपर्ट एडवाइज की बात करूँ दोस्तों कुशाल कृष्ण कुमार को एज अ स्मॉल लीग में आप वाइस कैप्टन सेलेक्ट कर सकते हो एंड सिड नायर को दोस्तों एज अ कैप्टन आप अपनी ग्रैंड लीग टीम में सेलेक्ट कर सकते हो। दोनों ही खिलाड़ी आपके लिए एज अ स्मॉल लीग एंड ग्रैंड लीग आपके लिए बेस्ट कैप्टन चल रहेंगे। फ्रेंड्स बात करता हूँ हेड टू हेड मुकाबले की। तो दोस्तों दोनों टीमों के बीच अभी एक भी हेड टू हेड मुकाबला खेला नहीं गया है। अगर आपको लाइव टेलीकास्ट देखना है तो आप फैन कोर पर लाइव टेलीकास्ट देख सकते हो। नेक्स्ट बात करता हूँ फैंटेसी टिप्स की। तो दोस्तों टॉप ऑर्डर बैटर आप पिक कर सकते हो, डेथ ओवर वाले बॉलर जो बॉलिंग कराएं उनके लास्ट में विकेट लेने के चांसेस ज़्यादा बनेंगे। फ्रेंड्स तो आप उनको भी अपनी फैंटेसी टीम में जरूर सेलेक्ट करिए, आपके लिए बेस्ट चॉइस रहेंगे। फ्रेंड्स विकेट कीपर में दोनों सही है, हालांकि आप किसी एक को सिलेक्ट कर सकते हो, आपके लिए बेस्ट चॉइस रहेंगे। फ्रेंड्स पोस्टर्स का इस पिच पर ज़्यादा रहेगा, मैंने आपको स्टार्टिंग में पिच रिपोर्ट में बताया था कि दोस्तों पेसर्स को इस पिच पर ज़्यादा मदद मिलने वाली है। बात करता हूँ फ्रेंड्स विनिंग प्रेडिक्शन की। तो दोस्तों एमयूएस जो कि ज़्यादा मजबूत दिखाई पड़ रही है एज अ एसएसपी टीम से, जो अपनी फैंटेसी टीम में सबसे ज़्यादा प्लेयर पिक कर सकते हैं वो आप एमयूएस के अपनी फैंटेसी टीम में दोस्तों सबसे ज़्यादा प्लेयर पिक कर सकते हैं एंड 7-4 का कम्बिनेशन अपने फेवर में एमयूएस को रख सकते हैं। बात करता हूँ कुछ मुख्य खिलाड़ी जो कि एसएसपी के हैं जिनको अपनी टीम में जरूर सेलेक्ट करिए। डेवी वर्गेस, के कृष्ण कुमार, नवीन जॉर्ज, दोस्तों आप ये मुख्य खिलाड़ी देख सकते हो जो कि एसएसपी के खिलाड़ी हैं जिनको अपनी फैंटेसी टीम में दोस्तों जरूर सेलेक्ट कर सकते हो। बात करता हूँ कुछ मुख्य खिलाड़ी जो कि एमयूएस के हैं जिनको अपनी फैंटेसी टीम में दोस्तों जरूर सेलेक्ट करिए, आपके लिए बेस्ट चॉइस रहेंगे। ये खिलाड़ी इशा जारू, जीरा चौटाई, फिराज हुसैन, दैनाल अली, हुजैब यूसुफ, मनन वसीद। दोस्तों आप ये मुख्य खिलाड़ी देख सकते हो जो कि एमयूएस के मुख्य खिलाड़ी हैं जिनको अपनी फैंटेसी टीम में जरूर सेलेक्ट कर सकते हो। बात करता हूँ वेस्ट वर्मा जो कि अभी तक एमयूएस की तरफ से रहे हैं, इशा जारू, जीरा चौटाई, फिराज हुसैन, मुबारक अली एंड जैकोब गुल। दोस्तों आप ये बेस्ट फॉर देख सकते हो जो कि एमयूएस की तरफ से बेस्ट फॉर रहे हैं जिनको अपनी फैंटेसी टीम में दोस्तों जरूर सेलेक्ट कर सकते हो। बात करता हूँ कैप्टन एंड वाइस कैप्टन चॉइस की। तो दोस्तों डीबी वर्गेस को एज अ स्मॉल लीग में वाइस कैप्टन सेलेक्ट कर सकते हो, आपके लिए बेस्ट चॉइस रहेंगे। के कृष्ण कुमार एज अ कैप्टन आप अपनी स्मॉल लीग टीम में इनको जरूर ट्राई कर सकते हो, आपके लिए बेस्ट चॉइस रहेंगे। फ्रेंड्स ऐसा जा रहा हूँ एज अ कैप्टन आप अपनी ग्रैंड लीग टीम में इनको सेलेक्ट कर सकते हो, आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेंगे। हुजैब यूसुफ एज अ वाइस कैप्टन आप अपनी ग्रैंड लीग टीम में इनको ट्राई कर सकते हो, फ्रेंड्स आपके लिए बेस्ट चॉइस रहेंगे। मनन वसीर एज अ वाइस कैप्टन स्मॉल लीग एंड एज अ कैप्टन आप अपनी ग्रैंड लीग टीम में इनको जरूर ट्राई कर सकते हो, आपके लिए बेस्ट चॉइस रहेंगे। फ्रेंड्स इंजर्ड की बात करूँ तो दोनों टीमों के बीच कोई भी इंजर्ड नहीं हुआ है। फ्रेंड्स जो भी हमारा फाइनल अपडेट होगा, फाइनल टीम होगी, आपको टेलीग्राम पर मिलेगी। फ्रेंड्स तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। फ्रेंड्स आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो पर कर दीजिए एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट। ऐसे ही आपके लिए और फैंटेसी टीम प्रेडिक्शन लाता रहूँगा, तो आप चैनल पर पहली बार विजिट करें प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना ताकि आने वाली प्रेडिक्शन वीडियो और न्यूज़ वीडियो आपको सबसे पहले पहुँचे पॉसिबल 11 चैनल की तरफ से। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।